चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोगों ने आपके MPGK के 1000 की क्लासेस स्टार्ट की थी। इसमें अभी तक आपकी 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है MPGK की 1000 क्वेश्चन की क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोग 230 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 231 से स्टार्ट होगा, और अगर आपने ये 1000 MPGK जी क्वेश्चन की जो PDF है वो जो सभी के लिए फ्री है, अगर आपने प्राप्त नहीं की है तो आप कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप जैसे ही पटवारी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, आपके मोबाइल ऐप में लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, उसमें पटवारी वाले कोर्स में आप लोग जाइएगा, जो कि 499 में अवेलेबल है मैथ्स का। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको सारे वीडियोस, सारी PDF आपको फ्री मिलती है। ये जो कोर्स है दोस्तों, यहाँ पर 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलता है। केवल 499 में मैथ्स आपको बिल्कुल शानदार तरीके से सिखाई जाती है, ठीक है? आप बड़ी ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। जीरो टू हीरो बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियोज और लाइव सेशन इसमें आपको मिलते हैं। ये सब कुछ लेयर 3 एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल होता है, ठीक है? और कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो PDF वगैरह के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे PDF आपको मिल जाएगी जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, कुछ इस तरीके से लेयर 3 एजुकेशन ऐप आपको दिखेगा। उसमें अंदर आप लोग जाइएगा, पॉपुलर कोर्स में आप लोग क्लिक करिएगा, पटवारी वाला जो कोर्स है इस पर आप लोग क्लिक करिएगा यहाँ पर, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ओवरव्यू और कंटेंट दिखेगा, तो आप कंटेंट पर क्लिक करिएगा। साथियों, जैसे ही क्लिक करेंगे सारे मैथ्स के वीडियो आपको यहाँ नीचे लाइन वाइज दिख जाएंगे। लेकिन आपको अगर MPGK के क्वेश्चन देखना है तो ये जो पहला फोल्डर है इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपका ओपन होगा, आपकी क्लास, फिर उसकी PDF, फिर क्लास, फिर PDF, ऐसे करके आपकी अभी 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और उनकी PDF भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके लिए फ्री है। आपने कोर्स ज्वाइन किया हो, नहीं किया हो, आप जाकर के आराम से देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है साथियों? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिए गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आने के चांसेस है, वो क्वेश्चन आपके MPGK के कवर किए गए हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, इससे पहले की PDF प्राप्त नहीं की है, तो आप जरूर करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के समक्ष ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 231 आज का पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है? नजर डालिएगा, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के खजुराहो की जो मूर्तियां हैं वो किस भगवान को समर्पित है। आपको पता है खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित मंदिर है, ठीक है? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ठीक है? और कब बनवाए थे, कब इनका निर्माण हुआ था? तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इनका निर्माण हुआ था। अब ये सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ ली। खजुराहो के मंदिर आपके यूनेस्को की सूची में भी शामिल किए गए हैं, ठीक है? यूनेस्को की सूची में शामिल किए 1986 में, है ना? तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कितने सारी डिटेल आप लोगों को, वैसे भी इसके साथ भी आपको ये डिटेल मिलेगी, है ना? हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के खजुराहों की मूर्तियां किस भगवान को समर्पित है, कृष्ण भगवान को समर्पित है, बुद्ध भगवान को समर्पित है, महावीर भगवान को समर्पित है, या शिव भगवान को समर्पित है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है? अगर आप लोग यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं तो जरूर से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग ऐप में देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सारी PDF भी आपके पास है, इससे पहले के वीडियो भी आपके पास है, ठीक है? YouTube पे देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये शिव भगवान को समर्पित है। आपने देखा होगा खजुराहो मंदिर के बीच सबसे फेमस जो मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है? इसका क्वेश्चन भी बनता है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो छतरपुर में या फिर खजुराहो में स्थित है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है? आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात खजुराहो में बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। मंदिरों का शहर खजुराहो
पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकांश मूर्तियाँ भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, जिसमें प्रमुख कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है, दुलादेव मंदिर, नंदी मंदिर प्रमुख है, ठीक है। तो ये मूर्तियाँ किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो भी आप याद रखिएगा कि खजुराहो के मंदिर कौन से जिले में है, तो ये आपके छतरपुर जिले में है, ठीक है। और ये सारी डिटेल आप लोग जो है वो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 232 पे हम लोग नजर डालें, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से, आंसर करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है, पुराणों के अनुसार पद्मावती वंश की राजधानी कौन सी थी, है ना, पद्मावती किस वंश की राजधानी थी, आपको बताना, नाग वंश की राजधानी थी पद्मावती, मधराज या फिर मगराज वंश की राजधानी थी, कुषाण वंश की या वाकटक वंश की राजधानी थी, बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा साथियों, ठीक है। सोल्व करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी दोस्तों का आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो 232 जो आपका क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पद्मावती नाग वंश की राजधानी थी, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, नाग वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुराणों के मिश्रण से पता चलता है कि पद्मावती में नागवंश का शासन था। पद्मावती की वजह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पद्म पवैया नामक से स्थान की जाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 233 पर आप लोग नजर डालिएगा, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी, जैसे पद्मावती नागवंश की राजधानी है, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी है, अलग अलग वंश की राजधानी होती है, जैसे मुगल वंश था, है ना, उसकी राजधानी कभी दिल्ली हुआ करती थी, कभी आगरा हुआ करती थी, वैसे ही जो ये वंश थे, है ना, उनकी राजधानी बांधवगढ़, कौन से वाले वंश की राजधानी बांधवगढ़ थी, नागवंश की, मगराज वंश, सातवाहन और वाकटक, बताइएगा कौन से वंश की राजधानी थी, ठीक है। आप आंसर करिएगा, क्या आंसर इसका हो जाएगा एबीसीडी में से, ठीक है। तो बहुत इजी है, 233 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि जो बांधवगढ़ है वो मगराज वंश की राजधानी थी, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बगलगंज में रीवा मंडल में मगराज वंश का शासन था। इस वंश के प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठी पुत्र भीमसेन के पुत्र कोत्सी पुत्र पोटिसिरी ने अपनी राजधानी बांधोगढ़ को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 234 पर आप लोग नजर डालिएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में नरवर को किसने बजाया था, शिवपुरी जिले की नरवर को किसने बसाया था, नल ने, भीमरथ ने, कौशिक ने, या इनमें से कोई नहीं, आंसर करिएगा, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है उसमें नरवर को किसने बसाया था, नल ने बसाया था, भीमरथ ने बसाया था, कौशिक ने बसाया था, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 234 का जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से आप सभी दोस्त कर सकते हैं। अनुश्रुति के अनुसार राजा नल ने नलपुर नगर को बसाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 235 आप लोग देखिएगा कि मठ गोगरा का मेला कितने दिन तक चलता है। ये मठ गोगरा का मेला मध्य प्रदेश में लगता है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में लगता है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ये मेला लगता है, ठीक है। तो कितने दिन चलता है, 15 दिन चलता है, या 13 दिन चलता है, या 14 दिन चलता है, या 16 दिन चलता है, एक और ऑप्शन 16 दिन रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर 235 का आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 दिनों तक चलता है। मठ गोगरा का मेला कितने दिन चलता है, 15 दिन तक चलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मठ गोगरा का मेला मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में आयोजित होता है। सिवनी जिले के भैरुनाथ में यह मेला शिवरात्रि के पावन अवसर पर लगता है, ठीक है। कभी पूछ ले कि मठ गोगरा का मेला कौन से पावन पर्व पर लगता है, तो ये आपके शिवरात्रि के पर्व पर लगता है, ठीक है। प्रसिद्ध मेला 15 दिनों तक चलता है। मेला स्थल के नजदीक ही एक प्राकृतिक झील और गुफा भी है जो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मठ गोगरा का मेला कहाँ लगता है, सिवनी में लगता है और शिवरात्रि पे लगता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 236 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने पढ़ाया था, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तानसेन समारोह कहाँ होता है, तो ये ग्वालियर में होता है। वैसे ही कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है, इंदौर में आयोजित होता है, भोपाल में आयोजित होता है, ग्वालियर में आयोजित होता है या उज्जैन में, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 236 का, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि उज्जैन में आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह का आयोजन होता है। तो कालिदास समारोह कहाँ होता है, उज्जैन में होता है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कालिदास समारोह एक सांस्कृतिक साहित्य सम्मेलन है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। कालिदास समारोह 3 अलग अलग चरणों में मनाया जाता है। इसका प्रमुख आकर्षण संस्कृत नाटक और शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, 237 देखिएगा, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ, भारत भवन जो स्थापित हुआ है कहाँ भोपाल में, वो किस वर्ष हुआ, 1981 में हुआ, 1983 में हुआ, 1984 में हुआ या 1982 में हुआ, आप लोग आंसर करिएगा। क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है, ठीक है, चेक करिएगा क्या आंसर आ रहा है। 237 का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1982 में भारत भवन की स्थापना हुई कहाँ, भोपाल में, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ 1982 में स्थापित किया गया, इस भवन में अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था, ठीक है। अभी पूछ लेगा भारत भवन जो भोपाल में निर्माण किया गया वो कौन से वास्तुकार के द्वारा निर्मित किया गया, तो चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला संस्कृति का एक संग्रहालय है, इसमें कला दीर्घ ललित कला संग्रह, इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम, रिहर्सल रूम, भारतीय कविताओं का पुस्तकालय आदि कई चीजें इसमें शामिल है। यह भोपाल के बड़े तालाब के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 238 पर आप लोग नजर डालिएगा, मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई, मध्य प्रदेश में जो कला परिषद की स्थापना हुई वो कब हुई दोस्तों, 1951 में, 1953 में, 1952 में या 1950 में, आप आंसर करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा साथियों, ठीक है, तो यहाँ पर 238 का जो आंसर बन रहा है वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952। तो कला परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1952 में हुई है, आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 238 क्वेश्चन तक हो गए हैं, हम लोग 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एग्जाम जब भी देने जाए, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप चाहे MPSI की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक कह लो आप, या चाहे आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, MP GK का वेटेज हर एक एग्जाम में रहता है, और ये जो 1000 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो ज़रूर से वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्लास को शेयर भी करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए लिखा हुआ, मध्य प्रदेश संस्कृति और कला संबंधित गतिविधियों के विकास, शिक्षण और अनुसंधान के लिए कई संगठन और संस्थाएं बनाई गई। मध्य प्रदेश राज्य में कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई। यह संगठन संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कला के लिए अकादमी के रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 239 पर आप लोग नजर डालिएगा, लिखा हुआ है लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, खजुराहो में किया जाता है, भोपाल में, ग्वालियर में या महेश्वर में, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 239, लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, खजुराहो, भोपाल, ग्वालियर या महेश्वर, 239 का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपका भोपाल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कालिदास समारोह कहाँ किया जाता है, तो अभी सीखा कालिदास समारोह आपका उज्जैन में किया जाता है। आपका तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तानसेन समारोह आपका ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे याद रहती जाएगी और आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप लोग देखिएगा कि ये जो महोत्सव है ये 5 दिनों तक चलने वाला समारोह है ना, इसकी
आदिवासी लोक कला द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शन है। पूरे भारतभर से लोक संस्कृति और जनजाति संस्कृति प्रदर्शन रचनात्मक पौधों को सामने लाने का एक प्रयास है। लोक नृत्य और जनजाति नृत्य शास्त्रीय नृत्य कला रूपों का प्रदर्शन इस लोकरंग समारोह की मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 240 देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में मठ गोगरा का मेला लगता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है मठ गोगरा का मेला कितने दिन चलता है, तो 15 दिन चलता है। कौन से जिले में लगता है ये भी हमने पढ़ा, होशंगाबाद में लगता है, सिवनी में लगता है, ग्वालियर में लगता है या सतना में। सतना में तो मैं बता दूं गधों का मेला लगता है। आपके कोई दोस्त हो तो उसको कहना आप, है ना, कि तुम सतना जाओ तुम्हारा मेला लग रहा है, वो कहेगा क्यों, तो आप मन में हंसना, है ना। आपके ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पीएससी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि गधों का मेला कहाँ लगता है, तो ये सतना में लगता है। सतना बहुत प्रसिद्ध जगह है, चित्रकूट वहाँ है ना। मेहर, मेहर जिसे संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये संगीत राजधानी भी कौन से जिले में है, सतना में है, ठीक है। मेहर क्यों प्रसिद्ध है, उस्ताद अलाउद्दीन खां की जन्मस्थली है ना मेहर, जो सरोद वादक थे बहुत फेमस, ठीक है, गधों का मेला लगा। यहाँ भी फिलहाल क्वेश्चन की बात करें तो मठ गोगरा का मेला जो लगता है वो सिवनी में लगता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, है ना, लिखा हुआ है मठ गोगरा का मेला मध्यप्रदेश राज्य के सिवनी जिले में आयोजित होता है। सिवनी जिले में भैरवनाथ ने यह मेला शिवरात्रि, हाँ ये सब चीज है ना हमने पढ़ ली है, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्त मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़े शानदार तरीके से, मैथ्स बिल्कुल पेड कोर्स अवेलेबल है, 499 एक साल की फीस है, ठीक है, 499 में आप एक साल तक पढ़ पाते हैं मैथ्स की शानदार क्लास, ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है, 0 to 0 बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव सेशन इस पर रहते हैं। लेयर 3 का ऐप डाउनलोड करिएगा, और ये जो 1000 एमपी जीके के क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ये भी आपको जो कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, चलिए, है ना। और कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे नंबर है, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए या कुछ डाउट है जरूर आप पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 241 पे आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। बेमेल युग्म पहचानिए, ठीक है, रीवा जो है वो मांडू में है ना, रीवा परियोजना मांडू में है, आपकी हलाली परियोजना रायसेन में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, पगारा भोपाल में है, तो बताइएगा इनमें बेमेल कौन सा है, यानी कि कौन से में मेल नहीं है, मतलब कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है वो आप लोग पहचानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 241 का जो आंसर होगा वो कौन सा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि पगारा जो परियोजना है वो भोपाल में नहीं है, वो आपकी कहाँ है, वो ग्वालियर में है, ठीक है। तो बेमेल कौन सा हुआ इसमें से, ऑप्शन नंबर डी हुआ दोस्तों, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न में द का युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि पगारा बांध भोपाल में नहीं ग्वालियर जिले में स्थित है। पगारा बांध का निर्माण 1927 में किया गया और प्रदेश के सबसे पुराने बांध में से एक है, ठीक है। शेष युग्म सही सुमेलित है, यानी कि बाकी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 242 पर आप लोग नजर डालिए, क्या लिखा हुआ है, इंदिरा सागर मूल रूप से एक परियोजना है, सिंचाई परियोजना है इंदिरा सागर, बाढ़ नियंत्रण परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है या पन बिजली परियोजना है, ठीक है, बताइएगा कौन सी परियोजना है, इंदिरा सागर मूल रूप से कैसी परियोजना है, आप लोग आंसर करिएगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो आपका इंदिरा सागर जो मूल रूप से एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये डिटेल आपके पास रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अगर पीडीएफ प्राप्त कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन है ना, इनकी पूरी डिटेल आपके पास आराम से रहेगी, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज पाया जाता है। यूरेनियम खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन से जिले में, भोपाल जिले में पाया जाता है दोस्तों, या सागर जिले में पाया जाता है, या ग्वालियर जिले में पाया जाता है, या शहडोल जिले में पाया जाता है, तो बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा, 243 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। एकमात्र जिले का नाम बताना है जहां यूरेनियम खनिज पाया जाता है, तो 243 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शहडोल एकमात्र ऐसा जिला है जहां यूरेनियम खनिज जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
यहाँ लिखा भी हुआ है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में यूरेनियम खनिज पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उत्खनन मुख्य रूप से झाबुआ और सागर जिले में होता है। इसका उत्खनन मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र सुहागपुर है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 पे आप लोग नजर डालिएगा। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। मुरैना है, मंदसौर है, पन्ना है या भिंड है, ठीक है। मंदसौर में तो हमारे जैसे हीरे जरूर हैं, लेकिन हीरा उत्पादक जिला वास्तव में कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताया हीरा पन्ना, ठीक है। हीरा पन्ना आपने सुना होगा, तो ठीक है, तो हीरा जो है वो पन्ना जिले में उत्पादित होता है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा भी हुआ है हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश का भारत का प्रथम स्थान है। प्रदेश में हीरा मुख्य रूप से पन्ना, सतना और छतरपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है। पन्ना की हनोता और सतना की मझगवा खाने हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पन्ना की कौन सा, हनोता आपकी खान और सतना की मझगवा खान जो है हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 245, मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टास जिला है। एस्बेस्टास कहाँ उत्पादित होता है, बालाघाट में, जबलपुर में, झाबुआ में या इंदौर में। आप लोग आंसर करिएगा सभी दोस्त, तो क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दूं एकमात्र जिला कौन सा हो जाएगा, 245 का सी आंसर यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल झाबुआ जिला ऐसा है एकमात्र जो एस्बेस्टास जिला है जहाँ एस्बेस्टास उत्पादक जिला है, ठीक है। जब लेकिन अल्प मात्रा में यह खनिज मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, सीधी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर जिले में भी पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, झाबुआ जिले में पाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 246 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। मध्य प्रदेश में देश का कितना मैग्नीज भंडार है ये बताइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में देश का मैग्नीज का कितना परसेंट, देश पूरे देश का 15% है मध्य प्रदेश में, या 30% है, या 50% है, या 65%। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है। देश के कुल में भंडार का 50% मैग्नीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा भंडार बालाघाट और छिंदवाड़ा में है। प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत मखेली, बरवाली ये सारी खदानें प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 पे आप लोग नजर डालिएगा। मलाजखंड जहां तांबा की खदानें हैं किस जिले में, मलाजखंड तांबा खदानें कहाँ हैं आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट पूछा गया है, बालाघाट, झाबुआ, सिवनी, बैतूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बालाघाट में है, यानी मलाजखंड तांबा की खदानें कहाँ हैं, बालाघाट में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तांबे की खदानें के प्रसिद्ध मलाजखंड बालाघाट जिले में बेहर तहसील के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 248 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, उज्जैन में स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, या होशंगाबाद में स्थित है। तो 248 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या होशंगाबाद। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोपाल में। राष्ट्रीय विधि संस्थान महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 1979 में मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना करके 1998 में विधि की शिक्षा प्रारंभ की गई, लॉ की शिक्षा प्रारंभ की गई। 249 क्वेश्चन नंबर 249 पर आप लोग नजर डालिएगा कि विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई, ये आप लोग बताइएगा दोस्तों। विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1990, 1992, 1995, 1997। तो करेक्ट आंसर आप सभी दोस्त करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो 249 का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 1990 में इस पुरस्कार की स्थापना। खेल पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। राज्य के मूल निवासियों को दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई। आज का लास्ट क्वेश्चन कि भैया विक्रम पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी राशि कितनी है, 15,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000, बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा, कि जो विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश खिलाड़ियों को दिया जाता है वो
कितनी राशि उसमें दी जाती है, 15,000 रुपये दी जाती है, 20,000 रुपये दिए जाते हैं, 50,000 रुपये दिए जाते हैं या 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए फिलहाल तो नौकरी की व्यवस्था करें। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो दोस्त मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम ही है जिसके विजेता खिलाड़ी को 1 लाख नगद, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह सारी चीजें दी जाती है। हाँ, जिन दोस्तों को मैथ्स पढ़ना है वो बिल्कुल पढ़े, पटवारी वाला कोर्स आपको 499 में मिल जाएगा। इसी के अंतर्गत ये 1000 MPG के क्वेश्चन भी आपके लिए फ्री है। ठीक है, चलिए पेड कोर्स अवेलेबल है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें, शानदार आपको तैयारी करवाई जाएगी, मैथ्स की बेहतरीन कोर्स है और 1 ईयर की वैलिडिटी। सबसे बड़ी बात है कि 500 रुपये की फीस 1 साल के लिए और सारे चैप्टर इस पर पढ़ाए जाएंगे। अभी फिलहाल एडवांस मैथ चल रही है, एलजेब्रा वाला चैप्टर आपका चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप ज्वाइन करें, 0 to 0 बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियो भी हैं और लाइव सेशन भी इसमें चलते हैं। ठीक है, Layer 3 का ऐप डाउनलोड करना, वहां पर सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 30 जून है, इसके बाद ये प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है इस जून में कर लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है, 9893800651 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग MPGK का वीडियो डेली देख रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, है ना, क्लास अच्छी लगती है, तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इस क्लास को तो ज़रूर से आप लोग मैसेज नीचे कमेंट करिएगा, आप लोग जो भी प्रतिक्रिया है ज़रूर दीजिएगा, कुछ गलत है बताइएगा, कुछ अच्छा लगे ज़रूर इतला करिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।